साउथ में वैसे तो कई ऐसे स्टार्स हैं जो बॉलीवुड में अगर आ जाएं तो सब पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन महेश बाबू साउथ के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो बॉलीवुड स्टार्स की छुट्टी कर सकते हैं। दोस्तों, महेश बाबू के बारे में कहा जाता है कि वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सलमान खान हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बचपन से महेश बाबू सलमान खान जितने लकी नहीं थे। महेश बाबू का शुरुआती जीवन बेहद गरीबी में बीता था। जब महेश बाबू पैदा हुए थे तो उनके पिता स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे। अपने पिता की तरह ही महेश बाबू ने भी मेहनत करके इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महेश बाबू के सुपरस्टार बनने की कहानी बताने जा रहे हैं। महेश का जन्म 9 अगस्त 1975 को चेन्नई में हुआ था और उनका निवास स्थान हैदराबाद है। महेश के पिता का नाम कृष्णा भट्टामनेनी है, जो कि एक अभिनेता हैं, और उनकी माता का नाम इंदिरा देवी है। साथ ही उनके 4 भाई बहन भी हैं। महेश ने अपने स्कूल की पढ़ाई चेन्नई के सेंट बेदेर्स एंग्लो हाई स्कूल से की है और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई चेन्नई के ही लोयोला कॉलेज से पूरी की। महेश बाबू एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ ही बहुत ही शांत व्यक्तित्व के इंसान भी हैं, जो विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं। महेश बाबू ने मात्र 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और तब से लेकर आज तक वो रोजाना अपने लिए सफलता की एक नई इबारत लिख रहे हैं। अपने 38 साल के करियर में महेश बाबू ने बस 9 साल का ब्रेक लिया था और वो भी तब जब उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। ये महेश बाबू की गजब की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज वो साउथ फिल्मों में सबसे अमीर और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं। आंकड़ों के मुताबिक अपनी आने वाली एक फिल्म के लिए उन्होंने 25 करोड़ बतौर फीस ली है। साथ ही इस फिल्म के मुनाफे में भी उनकी हिस्सेदारी है। महेश बाबू का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसके बैनर तले वो अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस करेंगे। महेश बाबू ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कम से कम 8 फिल्मों में काम किया है और लीड हीरो के तौर पर उन्होंने 1999 में अपनी पारी की शुरुआत की थी। हीरो के रूप में डेब्यू फिल्म के लिए महेश बाबू को सर्वश्रेष्ठ मेल डेब्यू के लिए भी स्टेट नंदी अवार्ड मिल चुका है। महेश बाबू ने एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड्स भी जीते। साल 2003 में ब्लॉकबस्टर फिल्म ओकाडू उस समय की उनके करियर की सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने युवा कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका निभाई थी। बाद में इस फिल्म को कई भारतीय भाषाओं में फिर से बनाया गया। इनकी 2005 की फिल्म अथाडू तेलुगु सिनेमा में कमाई के नए रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आई थी। तेलुगु फिल्म जगत में सिर्फ रजनीकांत एक लौते ऐसे अभिनेता हैं जिनकी कमाई महेश बाबू से ज्यादा है। महेश बाबू प्रोडक्शन हाउस जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने राजा कुमरुडू फिल्म में एक मुख्य अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार का अपनी पहली फिल्म के जरिए ही राज्य नंदी पुरस्कार जीता। दोस्तों, अब बात करते हैं महेश बाबू की शादीशुदा जिंदगी के बारे में। महेश बाबू शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता हैं। महेश ने बॉलीवुड स्टार नम्रता शिरोडकर से शादी की थी। महेश के बेटे का नाम गौतम कृष्णन है और बेटी का नाम घट्टामनेनी है। बता दें कि महेश बाबू एक ऐसे स्टार हैं जिनकी न केवल एक्टिंग के लोग कायल हैं, बल्कि उनका लुक भी लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ तक कि लड़कियों के बीच उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। महेश बाबू ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर से 14 साल पहले शादी की थी। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। खास बात यह है कि नम्रता महेश बाबू से उम्र में 4 साल बड़ी हैं। नम्रता शिरोडकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा टॉलीवुड फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया है। नम्रता ने साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया का टाइटल भी जीता था। इसके बाद नम्रता ने सलमान खान और ट्विंकल खन्ना के साथ जब प्यार किसी से होता है फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद नम्रता ने तेलुगु फिल्म वामसी साइन की थी, जिसमें उनके साथ लीड रोल में महेश बाबू ही थे। वामसी महेश बाबू की पहली फिल्म थी। वामसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों भले ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन मीडिया की नजरों से अपने प्यार को बचाना चाहते थे। यहाँ तक कि महेश ने अपने रिश्ते के बारे में अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। महेश ने अपने और नम्रता के रिश्ते के बारे में सबसे पहले बहन को बताया था। करीब 4 साल तक महेश बाबू और नम्रता का अफेयर रहा। इसके बाद नम्रता और महेश बाबू ने 10 फरवरी 2005 को शादी कर ली थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।